मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक गेम शॉप दिखाई जाती है जहां बहुत सारे गेम होते हैं। इन सभी गेम्स में फिक्सिट फ्लिक्स गेम बहुत ज्यादा पॉपुलर होता है। इस गेम के अंदर हमें सबसे पहले रोल्फ को दिखाया जाता है जो इस गेम का विलन होता है और उसका काम सभी चीजों को तोड़ना होता है। वहीं इस गेम का हीरो फिक्सिट फ्लिक्स होता है जो सब तोड़ी हुई चीजों को अपने जादुई हथौड़े से सही कर देता है और इस काम के लिए उसे मेडल भी मिलते हैं। लेकिन राल्फ को तोड़फोड़ करने के लिए कुछ नहीं मिलता और साथ ही कोई उसकी रेस्पेक्ट नहीं करता और तोड़फोड़ करने की वजह से सब उसे नीचे फेंक देते हैं। फिर हमें गेम के अंदर की दुनिया दिखाई जाती है जहां भी राल्फ के साथ वही सिचुएशन होती है जहां फिलिक्स और बाकी लोग वहां उस बिल्डिंग में रहते हैं और मजे करते हैं। वहीं राल्फ को कचरे के ढेर में रहना पड़ता है। इन सब की वजह से राल्फ बहुत परेशान हो जाता है। वो बाकी गेम के विलन के साथ बात करता है और उन्हें बताता है कि आज उसके गेम की 30वीं एनिवर्सरी है। लेकिन वो बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि उसको विलन बनना अच्छा नहीं लगता और उसे भी मेडल चाहिए। सब उसे समझाते हैं कि हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं, हम अपने आप को नहीं बदल सकते। राल्फ वापस अपने गेम में आता है तो वो देखता है कि सब बिल्डिंग में फिक्सिट फ्लिक्स गेम की 30वीं एनिवर्सरी मना रहे होते हैं और उसमें दूसरे गेम के कैरेक्टर भी आए हुए थे। लेकिन राल्फ का अपना गेम होने के बावजूद भी उसे नहीं बुलाया गया था। राल्फ उस पार्टी में जाता है और सभी लोग उसे वहाँ देख कर डर जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो यहाँ पार्टी खराब करने के लिए आया है। फिलिक्स बाहर आता है और राल्फ से बात करता है। राल्फ बताता है कि वो तो सिर्फ यहाँ केक खाने के लिए आया है क्योंकि उसने कभी केक नहीं खाया था। फिलिक्स उसे अंदर ले आता है। राल्फ केक को देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे कीचड़ के अंदर बनाया गया था। इसीलिए वो जिन साहब से कहता है कि मुझे भी बाकी सबके साथ ऊपर होना चाहिए। लेकिन जिन साहब राल्फ से कहता है कि तुम एक विलन हो इसीलिए तुम हमेशा नीचे ही रहोगे और तुम्हें कभी भी कोई मेडल भी नहीं मिलेगा। ये सुनकर राल्फ बहुत गुस्सा हो जाता है और जिन साहब से कहता है कि मैं भी मेडल जीत सकता हूँ और हीरो बन सकता हूँ। जिन साहब कहते हैं ये अगर ऐसा हुआ तो हम सब कचरे के ढेर में रहेंगे और तुम इस बिल्डिंग में रहना, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि तुम बहुत बुरे हो और तुम हमेशा बिल्डिंग तोड़ते हो। इससे गुस्सा होकर राल्फ केक को बर्बाद कर देता है और जाते जाते सबको कहकर जाता है कि वो मेडल जरूर जीतेगा। इसके बाद राल्फ टेपर गेम के अंदर आता है और वो टेपर से पूछता है कि क्या कोई ऐसा गेम है जिसमें वो मेडल जीत सके। टेपर कहता है कि ऐसा कोई गेम नहीं है, लेकिन तुम उस कबाड़ में देख सकते हो कि शायद तुम्हें वहाँ कोई मेडल मिल जाए। राल्फ उस बॉक्स में मेडल ढूंढता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। तभी उसे वहाँ एक सोल्जर दिखाई देता है जो हीरोज ड्यूटी गेम का कैरेक्टर था। वो उसे बताता है कि वह अपने गेम से पक चुका है क्योंकि रोज उसे कीड़ों को मारना पड़ता है और उस बिल्डिंग पर चढ़ना पड़ता है और इतना सब उसे सिर्फ एक मेडल के लिए करना पड़ता है। राल्फ ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है कि इससे उसे मेडल मिलता है। तो वो पूछता है कि क्या वह थोड़ी देर के लिए उसकी जगह ले सकता है। लेकिन वो सोल्जर उसे कहता है कि जो किसी से नहीं डरते वही आर्मी में होते हैं। लेकिन तभी वो कॉकरोच से डरकर बेहोश हो जाता है। इस बात का फायदा उठाकर राल्फ उसका कॉस्ट्यूम पहन लेता है और वो हीरोज ड्यूटी गेम में जाता है। लेकिन ये गेम बहुत खतरनाक होता है क्योंकि इसमें सभी सोल्जर्स को कीड़े मारने थे, लेकिन राल्फ को गन नहीं चलानी आती। तभी एक लड़की उसके शॉप में आती है और हीरोज ड्यूटी गेम स्टार्ट होता है और फिर सारे कैरेक्टर्स का काम स्टार्ट होता है। सारे कैरेक्टर्स कीड़ों को मारते हैं। तभी एक साइबक्स उस पर हमला करता है लेकिन राल्फ उसे नहीं मार पाता और राल्फ की गलती की वजह से गेम ओवर हो जाता है। जिससे गुस्सा होकर हीरोज ड्यूटी गेम की लीडर केलहोन राल्फ पर गुस्सा करती है और उसे बताती है कि हमारा काम है साइबक्स को मारने में प्लेयर की हेल्प करना ताकि प्लेयर उस बिल्डिंग में जाकर मेडल जीत सके। वहीं दूसरी तरफ जब वो लड़की फिक्सिट फ्लिक्स गेम खेलती है लेकिन उसमें तो राल्फ होता ही नहीं, और अगर राल्फ कुछ तोड़ेगा ही नहीं तो फिलिक्स क्या ठीक करेगा। फिलिक्स और बाकी कैरेक्टर राल्फ को पुकारते हैं। वो लड़की शॉप के ओनर लिटवे को बताती है कि गेम खराब हो चुका है क्योंकि इसमें राल्फ नहीं है। तो वो कहते हैं कि कल सुबह मैं किसी को इस गेम को ठीक करने के लिए बुलाऊंगा, अगर फिर भी ये ठीक नहीं हुआ तो इस गेम को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। लिटवेग उस गेम पर आउट ऑफ ऑर्डर का पोस्टर लगा देता है। यहाँ गेम के बाकी कैरेक्टर राल्फ के न होने से परेशान हो जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि राल्फ हीरो ड्यूटी गेम में चला गया है। यहाँ राल्फ उस बिल्डिंग पर चढ़ता है जहाँ उसे एक हीरो मेडल मिल जाता है। राल्फ को ढूंढने के लिए फिलिक्स हीरो ड्यूटी गेम में आता है और केलहोन को बताता है कि राल्फ इस गेम में आया था। यहाँ राल्फ वो मेडल हासिल कर लेता है लेकिन वहाँ से निकलते वक्त उसका पैर एक अंडे पर पड़ता है जिसमें से एक बेबी साइबक्स निकलता है। वो साइबक्स राल्फ पर हमला करता है और उससे बचने के लिए राल्फ वहाँ से भागता है और वो एक स्पेस शटल में साइबक्स के साथ गिर जाता है। वो स्पेस शटल हीरोज ड्यूटी गेम से शुगर रश गेम में लैंड करता है। फिर वो स्पेस शटल उस कीड़े और राल्फ को बाहर फेंक देता है जिसकी वजह से वो कीड़ा लेक में डूब जाता है और राल्फ एक कैंडी के पेड़ पर गिर जाता है जिसकी
जिसकी वजह से उसका मेडल कैंडी के पेड़ के ऊपर पहुंच जाता है। राल्फ उस गेम को लेने के लिए उस पेड़ के ऊपर चढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ एक छोटी लड़की आ जाती है जिसका नाम वेनोलोपी होता है। वेनोलोपी उस मेडल को चुरा लेती है और वहाँ से भाग जाती है। राल्फ मेडल लेने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन वो उस कैंडी लेक में गिर जाता है। वेनोलोपी उस मेडल के जरिए सुगर रश गेम के रेस में पार्टिसिपेट कर लेती है, लेकिन किंग कैंडी उसे पार्टिसिपेट नहीं करने देना चाहता था। इसीलिए वो वेनोलोपी को पकड़ने के लिए अपने सिक्योरिटी गार्ड को उसके पीछे भेजता है। तभी वेनोलोपी का पीछा करते करते राल्फ भी वहाँ आ जाता है। वेनोलोपी वहाँ से भाग जाती है, लेकिन वो सिक्योरिटी गार्ड राल्फ को पकड़ लेते हैं और उसे पकड़कर किंग कैंडी के महल में ले जाते हैं, जहाँ राल्फ किंग कैंडी को बताता है कि वेनोलोपी ने उसका मेडल चुरा लिया है और इसीलिए वो मेडल लेने के लिए उसके पीछे भाग रहा था। किंग कैंडी राल्फ को बताता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, वेनोलोपी उस मेडल का इस्तेमाल रेस में हिस्सा लेने के लिए कर चुकी है। उसे वो मेडल तभी मिल सकता है जब कोई रेस में जीत जाए। राल्फ कहता है कि जो भी रेस जीतेगा उससे मैं मेडल छीन लूंगा। ये सुनकर किंग कैंडी राल्फ को इस गेम से बाहर जाने का कहते हैं। अगर राल्फ इस गेम से बाहर नहीं जाता तो उसे मीठी कोठरी में बंद कर देगा। राल्फ उस केसल से भाग जाता है ताकि वो अपना मेडल हासिल कर सके। तभी रास्ते में उसे कुछ रेसर्स दिखाई देते हैं जो वेनोलोपी का मजाक उड़ा रहे होते हैं, और वो वेनोलोपी से कहते हैं कि वो हमेशा अटकती रहती है, इसीलिए किंग कैंडी ने उसे रेस में हिस्सा लेने से बैन किया है। वो रेसर्स वेनोलोपी का मजाक उड़ाते हुए उसकी गाड़ी को तोड़ देते हैं, जिससे वो रेस में हिस्सा लेने वाली थी। ये देखकर राल्फ को वेनोलोपी के लिए बहुत बुरा लगता है और इसीलिए वो उन रेसर्स को वहाँ से डराकर भगा देता है। वेनोलोपी अपनी गाड़ी टूट जाने की वजह से अपसेट हो जाती है और फिर वो राल्फ से कहती है कि वो रेस जीतकर उसे उसका मेडल वापस कर देगी, लेकिन कार बनाने के लिए उसे उसकी मदद करनी होगी। राल्फ अपने मेडल को पाने के लिए इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है। दूसरी तरफ कैलेहन और फिलिक्स उस साइबर्स को ढूंढते हुए सुगर रश गेम में आते हैं और उन्हें वहाँ वो स्पेस शटल मिलता है जिसमें बैठकर राल्फ इस गेम में आया था। कैलेहन फिलिक्स से पूछती है कि राल्फ दूसरे गेम में क्यों आया। तभी फिलिक्स बताता है कि वह मैडम के बारे में बात कर रहा था, मगर उन्हें नहीं पता था कि वह टर्बो गिरी करेगा। और तभी फिलिक्स कैलेहन को टर्बो गिरी के बारे में बताता है। जब मार्केट शुरू हुआ था तब टर्बो टाइम गेम काफी बच्चों का पसंदीदा गेम था और गेम के हीरो टर्बो को भी उसका हिट होना पसंद था, लेकिन फिर रोड ब्लास्टर्स गेम आया और वह बच्चों को टर्बो से भी ज्यादा पसंद आने लगा। टर्बो को इस बात से जलन होने लगी और वह इस जलन की वजह से रोड ब्लास्टर गेम में चला गया, जिससे उस गेम में तबाही मच गई। इस वजह से टर्बो टाइम और रोड ब्लास्टर दोनों ही गेम्स को हमेशा के लिए बंद कर दिए गए। फिलिक्स कैलेहन को बताता है कि वो इसी वजह से राल्फ को ढूंढ रहा है ताकि वो उनके गेम को बचा सके। राल्फ और वेनोलोपी किंग कैंडी की फैक्ट्री में जाकर दोनों मिलकर एक कार बनाते हैं। कार एकदम परफेक्ट तो नहीं बनती, लेकिन वेनोलोपी को वो कार काफी पसंद आती है और वो अपनी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए उस कार पर अपना अपना नाम लिखते हैं। लेकिन उसी वक्त वहाँ किंग कैंडी और उसके गार्ड्स आ जाते हैं। राल्फ वहाँ से भागने के लिए वेनोलोपी को कार स्टार्ट करने का कहता है, लेकिन वेनोलोपी राल्फ को बताती है कि वो तो कार चलाना नहीं जानती। उन गार्ड से बचने के लिए राल्फ अपने बड़े बड़े हाथों की मदद से उस कार को चलाकर वहाँ से भागते हैं। किंग कैंडी और गार्ड्स उनका पीछा करते हैं। तभी वेनोलोपी राल्फ को सीक्रेट पैसेज के थ्रू डाइट कोला माउंटेन के अंदर ले जाती है जहाँ वो रहती थी। माउंटेन के अंदर राल्फ वेनोलोपी पर बहुत गुस्सा करता है कि तुम्हें कार चलाना नहीं आती तो तुम रेस कैसे जीतोगी। राल्फ वेनोलोपी को बताता है कि वो मेडल उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। उस मेडल से उसे एक अच्छा घर मिलेगा और लोगों की रेस्पेक्ट भी मिलेगी। उस मेडल के बिना उसे दोबारा उस कचरे में रहना पड़ेगा। तभी राल्फ को कुछ गिरने की आवाज आती है। दरअसल वहाँ माउंटेन में मेंटोस की बहुत सारी गोलियां लगी हुई थी जो अगर कोला में गिरती थी तो रिएक्शन की वजह से लावा उछल जाता था। तभी वेनोलोपी राल्फ को बताती है कि उसकी भी सिचुएशन सेम है, उसे भी इस डाइट कोला माउंटेन में अकेले रहना पड़ता है। राल्फ वेनोलोपी को कहता है कि वो इस गेम को छोड़ क्यों नहीं देती। तभी वेनोलोपी उसे बताती है कि जिनके अंदर ग्लिचेस होते हैं वो इस गेम को नहीं छोड़ सकते और इसीलिए वो कुछ भी नहीं कर सकती। ये सुनकर राल्फ इमोशनल हो जाता है और वो वहीं पर वेनोलोपी के लिए रेस ट्रैक बनाता है और वो उसे कार चलाना सिखाने लगता है और धीरे धीरे वेनोलोपी रेसिंग सीख जाती है। दूसरी तरफ कैलेहन और फिनिक्स स्पेसशिप की मदद से राल्फ को ढूंढते हैं। तभी फिलिक्स कैलेहन से इम्प्रेस होकर उसे कहता है कि तुम्हारा अंदाज लाजवाब है। ये सुनकर कैलेहन को अपने फियांसी की याद आती है जिसे उसकी शादी वाले दिन साइबक्स ने मार दिया था।
कैलहोन गुस्से में आकर फिनिक्स को नीचे उतारती है और अकेले कहीं चली जाती है। फिनिक्स किंग कैंडी के कासेल जाता है जहां वो किंग कैंडी के असिस्टेंट से मिलता है। फिनिक्स उसे बताता है कि वो राल्फ को ढूंढ रहा है। ये सुनकर वो उसे अपनी मीठी कोठरी में बंद कर देता है। अब क्योंकि वेनेलोपी कार चलाना सीख गई थी, राल्फ और वेनेलोपी रेस में जाने के लिए निकलते हैं। तभी वेनेलोपी उस माउंटेन के अंदर कुछ लेने जाती है। उसी वक्त वहाँ किंग कैंडी आता है और वो रोल्फ को उसका मेडल वापस लौटाता है। किंग कैंडी रोल्फ को बताता है कि वह वेनेलोपी को रेस में हिस्सा लेने से इसलिए रोक रहा था क्योंकि अगर वो ये रेस जीत गई तो वो इस गेम का हिस्सा बन जाएगी, लेकिन उसके अंदर ग्लिचेस है जिसकी वजह से वो अटकती है और जब प्लेयर्स उसे अटकते हुए देखेंगे तो उन्हें ये गेम बोरिंग लगने लगेगा, जिसकी वजह से इस गेम को अनप्लग कर दिया जाएगा। इस गेम के बाकी कैरेक्टर इस गेम से बाहर आ जाएंगे, लेकिन वेनेलोपी अपने अटकने की वजह से इसी गेम में अकेली कैद हो जाएगी और गेम अनप्लग होने की वजह से मर जाएगी। इसीलिए तुम्हें भी उसकी भलाई के लिए वेनेलोपी को इस गेम से दूर रखना होगा। राल्फ इस बात के लिए मान जाता है और किंग कैंडी वहाँ से चला जाता है। वेनेलोपी राल्फ के पास आती है और उसे एक मेडल पहनाती है जो उसने खुद से बनाया था, जिस पर यू आर माई हीरो लिखा था। राल्फ को वो मेडल देखकर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो फिर भी वेनेलोपी को रेस में पार्टिसिपेट करने से रोकता है। तभी वेनेलोपी राल्फ के पास उस मेडल को देख लेती है और वो पूछती है कि ये मेडल उसके पास कहाँ से आया। राल्फ वेनेलोपी को बताता है कि ये मेडल उसे किंग कैंडी ने दिया है। ये सुनकर वेनेलोपी को लगता है कि राल्फ उसे धोखा दे रहा है और वो किंग कैंडी से मिला हुआ है, इस वजह से वो उसे रेस में पार्टिसिपेट करने से रोक रहा है। राल्फ उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वेनेलोपी उसकी कोई बात नहीं सुनती और वो रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए अकेले ही जाने लगती है और राल्फ उसे एक पेड़ पर लटका देता है और उसकी कार को तोड़ देता है, जिसकी वजह से वेनेलोपी अपसेट हो जाती है और वो राल्फ को बुरा आदमी कहकर वहाँ से भाग जाती है। राल्फ हीरो मेडल और वेनेलोपी के दिए हुए मेडल के साथ अपने गेम में वापस आता है। वापस आने पर मेयर जिन राल्फ को बताते हैं कि फिक्स इट फ्लिक्स गेम के सभी कैरेक्टर इस गेम को छोड़कर सेंट्रल स्टेशन जा चुके हैं, क्योंकि सुबह इस गेम को अनप्लग कर दिया जाएगा क्योंकि वो इस गेम में नहीं था। इसके बाद मेयर जिन राल्फ को उस बिल्डिंग की चाबी देते हैं क्योंकि राल्फ ने उन्हें गलत साबित किया था और वो मेडल जीत कर आया था। फिर जिन साहब वहाँ से चले जाते हैं और राल्फ वापस से अकेला हो जाता है। राल्फ को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उस हीरो मेडल को उस बिल्डिंग की खिड़की से बाहर फेंक देता है। वो मेडल स्क्रीन पर जाकर लगता है, जिसकी वजह से स्क्रीन पर लगा आउट ऑफ ऑर्डर का पोस्टर गिर जाता है और राल्फ को उस गेम शॉप में शुगर रश गेम का कैबिनेट दिखाई देता है जिस पर वेनेलोपी की तस्वीर थी, जिसकी वजह से राल्फ को किंग कैंडी पर शक हो जाता है। राल्फ दोबारा शुगर रश गेम में आता है और वो असिस्टेंट से जबरदस्ती पूछता है कि अगर वेनेलोपी को इस गेम में नहीं होना चाहिए तो उसकी फोटो इस गेम कंसोल पर क्यों है, लेकिन वह राल्फ को कुछ नहीं बताता तो राल्फ उसे खाने लग जाता है, जिससे डरकर असिस्टेंट उसे बताता है कि वेनेलोपी भी एक रेसर थी, लेकिन किंग कैंडी ने उसके कोड को डिलीट करने की कोशिश की और इसी वजह से वो अटकती है। उसने ऐसा क्यों किया ये तो किसी को नहीं पता, क्योंकि उसने सबकी मेमोरी लॉक कर दी है। साथ ही वो उसको ये भी बताता है कि किंग कैंडी उसे रेस से दूर करने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि अगर वेनेलोपी ने फिनिश लाइन पार कर ली तो गेम रिसेट हो जाएगा और उसका अटकना बंद हो जाएगा। साथ ही वो उसको ये भी बताता है कि वेनेलोपी फिलिक्स के साथ मीठी कोठरी में बंद है। दूसरी तरफ कैलहोन को जमीन के नीचे ढेर सारे साइबर्स के अंडे दिखाई देते हैं। यहाँ राल्फ मीठी कोठरी में आता है जहाँ फिलिक्स कैद था। राल्फ फिलिक्स को अपने जादुई हथौड़े से वेनेलोपी की कार ठीक करने को कहता है, लेकिन फिलिक्स राल्फ से काफी नाराज था क्योंकि राल्फ अचानक गेम छोड़कर चला गया था। राल्फ फिनिक्स से कहता है कि वो एक अच्छी जिंदगी चाहता था, इसीलिए वो वहाँ से भागा था, लेकिन अब वो समझ चुका है। वह फिनिक्स से वादा करता है कि अब वह अच्छा बनने की कोशिश कभी नहीं करेगा, लेकिन बस उसे उस कार को ठीक करना होगा क्योंकि एक लड़की की जिंदगी का सवाल है। फिनिक्स अपने हथौड़े से उस कार को ठीक कर देता है और राल्फ उस कार को लेकर वेनेलोपी के पास आता है और उसे मीठी कोठरी से छुड़ा लेता है। इसके बाद फिनिक्स राल्फ और वेनेलोपी रेस ट्रैक में आते हैं और वेनेलोपी रेस में पार्टिसिपेट करती है। वेनेलोपी एक एक करके सभी रेसर को पीछे छोड़ देती है और अब सिर्फ किंग कैंडी बचा था, जिसे वेनेलोपी को हराना था। यहाँ कैलहोन राल्फ के पास आती है और उसे बताती है कि जो साइबर उसके साथ यहाँ आया था उसने ढेर सारे अंडे दे दिए और उसी वक्त जमीन में से ढेर सारे साइबर्स बाहर आते हैं और सभी पर हमला करते हैं। कैलहोन साइबर्स को मारने लगती है और गेम के सारे कैरेक्टर्स को गेम से बाहर निकालने को कहती है। दूसरी तरफ किंग कैंडी वेनेलोपी
को रास्ते से हटाने की कोशिश करता है और तभी वेनेलोपी की ग्लिच की वजह से उसका असली चेहरा सबके सामने आ जाता है और सबको पता चलता है कि किंग कैंडी असल में टर्बो है। वेनेलोपी अटक कर टर्बो से बच जाती है और आगे निकल जाती है, लेकिन साइबक्स टर्बो को खा लेता है। इससे पहले कि वेनेलोपी फिनिश लाइन को पार कर पाती कि ढेर सारे साइबक्स जमीन में से बाहर निकलते हैं और वेनेलोपी ट्रैक से बाहर गिर जाती है। सारे साइबक्स फिनिश लाइन तबाह कर देते हैं और वहाँ राल्फ वेनेलोपी को लेकर गेम से बाहर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन वेनेलोपी अपने ग्लिचेस की वजह से गेम से बाहर नहीं जा पाती। तभी वहाँ केलेहोन और फिनिक्स आते हैं और केलेहोन कहती है कि बिना लाइट के सिग्नल के इन्हें रोकना नामुमकिन है। उसी वक्त राल्फ को कुछ याद आता है और वो केलेहोन के क्रूजर पर उड़कर कोला माउंटेन के ऊपर जाता है और राल्फ उस माउंटेन पर लगे मेंटोस को अपने हाथों से तोड़ता है ताकि वो मेंटोस नीचे जाकर कोला में गिरे। राल्फ मेंटोस को तोड़ ही रहा होता है कि उसी वक्त वहाँ टर्बो आ जाता है जो साइबक्स के खाने की वजह से और खतरनाक वायरस बन चुका होता है। टर्बो राल्फ को मारने की कोशिश करता है और वो फिर उसे हवा में ले जाकर वेनेलोपी को मारता हुआ दिखाता है, जिस पर ढेर सारे साइबक्स हमला करने वाले थे। फिनिक्स और केलेहोन गेम के बाहर जाते हैं, लेकिन वेनेलोपी ऐसा नहीं कर पाती और साइबक्स उसकी तरफ बढ़ते हैं। टर्बो चाहता था कि वो मरने से पहले वेनेलोपी को मरते हुए देखें, लेकिन उसी वक्त राल्फ उस मेंटोस के माउंटेन पर कूद जाता है ताकि सारे मेंटोस उस कोला में जाकर गिरे और उसमें से लावा निकले। मेंटोस के साथ राल्फ भी उस कोला में गिर रहा होता है, लेकिन उसी वक्त वेनेलोपी दूसरे रेसर की कार से वहाँ आती है और वो राल्फ को बचा लेती है और वो दोनों वहाँ से भागते हैं और चॉकलेट के तालाब में गिरते हैं। उस माउंटेन से लावा बाहर आता है जो बहुत तेज चमक रहा था और सारे साइबक्स और टर्बो उस लावा की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और जलकर मर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ फिलिक्स और केलहोन एक दूसरे को किस करते हैं। उसके बाद फिलिक्स फिनिश लाइन को अपने जादुई हथौड़े से ठीक करता है और वेनेलोपी उस फिनिश लाइन को क्रॉस करती है और उस रेस को कम्प्लीट करती है, जिससे गेम रिसेट हो जाता है। सभी को पता चलता है कि वेनेलोपी शुगर रश की प्रिंसेस है क्योंकि ये उसकी पावर थी और शुगर रश के बाकी कैरेक्टर की मेमोरी वापस आती है। इसके बाद केलहोन फिलिक्स और राल्फ शुगर रश गेम से अपने अपने गेम्स में लौटने के लिए निकलते हैं, लेकिन वेनेलोपी राल्फ से कहती है कि तुम महल में रह सकते हो जहाँ तुम बहुत खुश रहोगे, उसके पास अपना एक कमरा होगा। लेकिन राल्फ वेनेलोपी को कहता है कि उसकी दोस्ती उसे खुश रखने के लिए काफी है और उसकी कुछ ड्यूटी भी है जो उसे पूरी करनी है। फिर राल्फ और फिनिक्स गेम में वापस आते हैं, जिसकी वजह से गेम के मालिक को लगता है कि गेम अब ठीक हो गया है और अब फिक्सिट फ्लिक्स गेम के कैरेक्टर समझ चुके थे कि राल्फ भी इस गेम का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है और अब वो उससे अच्छे से पेश आने लगे और उसकी रेस्पेक्ट करने लगे। इसके बाद उन सब ने बेगर कैरेक्टर को भी अपने गेम में जगह दी और उनका एक बोनस गेम लेवल बना दिया, जिसकी वजह से उसका गेम और भी ज्यादा पॉपुलर हो गया। राल्फ और फिनिक्स ने मिलकर उन न्यू कैरेक्टर के लिए कुछ घर भी बनाए जिसमें वो रह सकते थे। राल्फ ने फिनिक्स और केलहोन की शादी भी अटेंड की और राल्फ अब बहुत खुश होता है और वो बताता है कि आजकल उसका परफेक्ट टाइम तब होता है जब उसे नीचे फेंकने के लिए उठाया जाता है, क्योंकि उस वक्त उसे शुगर रश गेम का क्लियर व्यू मिलता है जिसमें वो वेनेलोपी को रेसिंग करते हुए देखता है और वो कहता है कि वो अच्छा या बुरा बनने के लिए वो किसी मेडल का मोहताज नहीं है, क्योंकि अगर यह बच्ची उसे इतना पसंद कर सकती है तो वह इतना भी बुरा नहीं हो सकता। और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। और गाइस, अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक्स पर क्लिक करके वॉच कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।